सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली रेडमी नोट 11T को 30 नवंबर लॉन्च किया जाएगा। एंड गाइस, देखा जाए तो यहाँ पे रेडमी नोट 11 सीरीज़ की इंडियन वेरिएंट को लेके काफ़ी लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ निकल के आ चुका है। मुकुल शर्मा ने एक ट्वीट किया है रेडमी नोट 11 सीरीज़ को लेके कि खाली जो रेडमी नोट 11T है ना, इस साल लॉन्च नहीं होने वाला है। इसी के साथ साथ हम लोगों को रेडमी की तरफ से काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा, खास करके रेडमी नोट 11 सीरीज़ की इंडियन वेरियंट। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों को रेडमी नोट 11 4G वेरियंट, रेडमी नोट 11 प्रो 5G एंड रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स 5G वेरिएंट दिखने को मिल जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बातें करेंगे Redmi Note 11 Pro Max के बारे में, क्या कुछ मिलेगा, कब तक ये फोन लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर एंड प्राइस कितना होगा अगर लॉन्च होता है तो। सो सारी डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, एज ऑलवेज लाइक भी कर लेना। आपकी एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस हर रोज बनाने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करें, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो रेडमी नोट 11 सीरीज चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है एंड इंडिया के अंदर भी आने वाला है। और जो इंडियन वेरिएंट होगा ना, चाइनीज वेरिएंट से काफी अलग स्मार्टफोन होने वाला है, काफी कुछ मेजर चेंजेस के साथ आने वाला है। और शायद से हम लोगों को बिल्कुल अलग स्मार्टफोन देखने को मिल जाए इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेडमी नोट 11 सीरीज जो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है ना, इसका बेस मॉडल रीब्रांड होकर 30 नवंबर रेडमी नोट 11T नाम से लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पे आप सभी को पता है Xiaomi Mi 11i एंड Mi 11i हाइपर चार्ज नाम से जिस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा रहा है रीब्रांड करके, Redmi Note 11 सीरीज के अंदर प्रो एंड प्रो प्लस वेरिएंट होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे अगर Redmi Note 11 सीरीज इंडिया के लिए लॉन्च होता है तो बिल्कुल अलग स्मार्टफोन ही होगा। यहाँ पे डिजाइन में भी हम लोगों को काफी कुछ चेंजेस के साथ दिखने को मिल सकता है, स्पेसिफिकेशन वाइज भी चेंजेस दिखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 90% मान के चलो जो इंडियन वेरिएंट होगा ना रेडमी नोट 11 सीरीज के अंदर, हम लोगों को स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो प्रो वाला वेरिएंट होगा ना, इसके अंदर हम लोगों को स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट प्रोवाइड किया जा सकता है एंड स्नैपड्रैगन 778G के साथ रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% कंफर्म आप मान के चलो जो इंफॉर्मेशन निकल के आ चुका है इंडियन वेरिएंट के लिए, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो 91 मोबाइल के अकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 750G एंड स्नैपड्रैगन 778G के साथ रेडमी नोट 11 प्रो एंड प्रो मैक्स इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में अगर बातें करेंगे तो दोस्तों, ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, छोटा मोटा चेंजेस के साथ हम लोगों को रेडमी नोट 11 सीरीज़ इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगर डिस्प्ले के बारे में बातें करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है एंड इसी के साथ साथ हम लोगों को 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर हम लोगों को जो कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, कैमरे के बारे में भी इतना ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आया इंडियन वेरिएंट के अंदर हम लोगों को कैसा कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों, अगर लीक्स के बारे में बातें करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को जो है रेडमी नोट 11 प्रो के अंदर एंड प्रो मैक्स के अंदर 50 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। एडिशनल यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंड यहाँ पे डेप्थ सेंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फेसिंग कैमरा 16 मेगापिक्सल पंच होल कटआउट के अंदर हम लोगों को सिंगल सेल्फी शूटर कैमरा मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों, अगर बैटरी के बारे में बातें करेंगे तो 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ हम लोगों को 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग रेडमी नोट 11 प्रो के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के अंदर 67 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh तक बैटरी देखने को मिल सकता है। फाइनली बातें कर लेते हैं इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च हो सकता है रेडमी नोट 11 सीरीज़। गाइस, यहाँ पे इस साल के एंड तक, दिसंबर एंड तक हम लोगों को रेडमी नोट 11 सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। और इस फ़ोन का जो प्राइस स्टार्ट होने वाला है ना इंडिया के अंदर, 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को स्टार्टिंग बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और एक्सपेक्टेशन तो यही लगाया जा रहा है कि अंडर 20,000 में हम लोगों को प्रो एंड प्रो मैक्स देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में प्राइस कितना हो सकता है इंडिया के अंदर, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।